हे गाइस कैसे हो। आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी जुगाड़ू ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे अगर आपका फोन आधी डिस्प्ले आपके फोन की आधी डिस्प्ले टूट गई है और आपका फोन नहीं काम कर रहा तो शायद आज मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ शायद आपके कुछ अभी आप पैसे नहीं बाद में बनवा लेना, कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका काम चल जाएगा। तो बहुत जबरदस्त ट्रिक है, देख लो दोस्तों, देख लो, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली। ये ट्रिक शायद आप कभी ना कभी आपके काम पड़ जाए, ऐसे आपके साथ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए तो ये ट्रिक काम कर जाएगी। तो अब मैं बता दूं मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे दोस्तों आपको ये बहुत से फोनों में यहाँ 3 बटन होती है, वो अगर खराब हो गई, आपका डिस्प्ले टूट गया है, तो ये जब डिस्प्ले टूट गया है, बटन खराब हो गई, तो आपका बैक और रिसेंट ये कैसे जाओगे। तो मैं आज इस वीडियो में यही जानकारी देने वाला हूँ, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे अगर आपकी डिस्प्ले ऊपर या नीचे किसी भी पार्ट में काम करती है तो ये 3 बटन आप किधर भी डिस्प्ले में लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ, तो वीडियो देख लेना। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने मोबाइल फोन स्क्रीन में, कौन सी ट्रिक है, कौन सी एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है, कैसे यूज करना है, मैं इस वीडियो में कंप्लीट। दोस्तों मैं आ गया अपने मोबाइल फोन स्क्रीन में और सबसे पहले आपको प्ले स्टोर अपना ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर में आप सर्च कर सकते हो नेविगेशन बार एनीवेयर, ये सर्च करोगे इजीली आ जाएगा। ये एप्लीकेशन का आप लोगो देख लीजिएगा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उधर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। जहाँ तक है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे डाउनलोड करो तो आपको परफेक्ट यही एप्लीकेशन मिल जाएगा। अगर आप प्ले स्टोर से करते हो तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि आप दूसरी भी डाउनलोड कर लोगे फिर कहोगे काम नहीं करता, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उधर से भी इजीली डाउनलोड कर सकते हो। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, डाउनलोड कर लेना। मैं पहले से डाउनलोड कर लिया हूँ तो मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ओपन करूँगा आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको गो टू सेटिंग में क्लिक कर देना है, आपको एक्सेसिबिलिटी इसको इनेबल कर देंगे, अलाउ, ये परमिशन हम दे देते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। नेविगेशन बार एनीवेयर, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर जैसा रखना चाहे रख सकते हो, मैं जो भी आपका मनपसंद कलर हो कर सकते हो सेलेक्ट। इसमें ऐड आ जाता है दोस्तों, तो आपको ऐड को क्लोज कर देना है। अब बटन कलर आप चूज कर लो जो रखना चाहो, मैं रेड कर दिया। और इसकी हाइट जितनी आप हाइट रखना चाहते हो तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैं बढ़ाता हूँ इसकी हाइट पतली और मोटी होती है। अब विथ जितने रखना चाहो, लंबाई जितनी, बस इतना जितने में आपको बेस्ट लगे रख सकते हो। बस इधर का काम हो गया दोस्तों, अब हम बैक आ जाते हैं। आपकी डिस्प्ले जिधर काम करती हो दोस्तों तो उधर आपको इसको ले जा सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों ये पूरे डिस्प्ले में जा सकता है। अगर आपकी डिस्प्ले कहीं भी जहां काम करती हो वहां उसको आपके इसको आपको ले जाकर छोड़ देना है, देख सकते हैं दोस्तों। अब मैं दिखा देता हूं काम करता है कि नहीं। मैं कोई एप्लीकेशन ओपन करता हूं और मैं बैक आके देखता हूं बैक होता है या नहीं, तो देख सकते हैं दोस्तों बैक भी हो गया। फिर मैं कोई एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, अब की बीच से कट करता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों कट गया। अब मैं रिसेंट पैनल में क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं दोस्तों ये रिसेंट भी मेरा आ गया, देख सकते हैं दोस्तों परफेक्टली वर्क कर रही है। काफ़ी कुछ आपका पैसा बच सकता है अगर आपकी आधी डिस्प्ले टूट गई है तो ये एप्लीकेशन ओपन करके आप डिस्प्ले में कहीं जहां आपके डिस्प्ले काम करते हो वहां लगा सकते हैं, आपको बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। जब आपके पास पैसा हो तब आप डिस्प्ले लगवा सकते हैं दोस्तों। अगर और ऐसी इंटरेस्टिंग या हेल्पफुल वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हमारे चैनल में ऐसी इंटरेस्टिंग या हेल्पफुल वीडियो मिलती रहती है। फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।